तो चलते हैं फ्रेंड्स सब साइट पर हम लोग, और मशीन ले लेंगे। मशीन और मशीन का स्टैंड लेकर साइट पर चलेंगे। ये रहा स्टैंड, और साइट पर आ गए हैं। साइट पर अब स्टैंड को हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद इसको स्टैंड के फुट को अच्छे से ज़मीन में नीचे दबा देंगे कि बाद में डिस्टर्बेंस ना हो मशीन को, और साइड से भी सब कुछ हटा देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ये मशीन है लेकर TA-03, और मशीन को अच्छे से उठा कर अब हम स्टैंड पर लगाते हैं। अच्छे से इसको हम फुट स्क्रू जो नीचे लगा हुआ है स्टैंड में उसको टाइट कर देंगे, और इसका लेबल हम लोग देखेंगे। लेबल ये सेंटर में नहीं है, ये लेबल है, तो लेबल को सेंटर में लाने के लिए हम इसके स्टैंड को हाइट या डाउन करेंगे। तो अभी हम लोग हाइट करते हैं थोड़ा सा। अब ये गया, अभी इस दूसरे फुट को हम लोग थोड़ा सा हाइट करेंगे। हाइट करने के बाद ये सेंटर में जाएगा। देखिए फ्रेंड गया, तो अभी हमारा जो बबल है वो सेंटर में आ गया है। इसे हम बैटरी लगाएंगे इसमें। तो बैटरी लगाने के बाद ये भी ओपन होगा, तो ये बैटरी लग गई है। बैटरी लगाने के बाद हम ऑन बटन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऑन होगा मशीन। तो फ्रेंड्स ये हमारा मशीन ऑन हो चुका है, देखिए हो गया। तो थोड़ा टाइम लगता है ऑन होने में। देखिए फ्रेंड्स अभी मशीन लेवल पर नहीं है क्योंकि बबल अभी साइड में दिखा रहा है। तो हम इसको लेवल में करने के लिए दोनों फुट स्क्रू को एक साथ घुमाएंगे। वो कहाँ रहता है सर? ये बबल आ रहा है हमारा थोड़ा सा आ गया। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम लोग ला कर सेंटर में ला देते हैं। लाने के बाद हम इसके चारों साइड मतलब सभी तरफ घुमा घुमा कर कि मशीन को देख लेंगे कि लेबर में एक नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे ही दो फुट स्क्रू, अगर लेवल मैंने दो फुट स्क्रू एक साथ घुमाएंगे तीसरे फुट स्क्रू की सहायता देखते हुए। तो अभी लेवल में हो गया, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग अब काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब काम ख़त्म होने के बाद अब इसको सब बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब देखिए बैक हो रहा है। बैक करने के बाद हम लोग जो ऑन ऑन बटन है उसको हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन को ओके